हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समित एंड वेलकम टू एडीटेक। आजकल जो है 4G VoLTE स्मार्टफोन का जो प्राइस है कम से कम होते जा रहा है, जिसका फायदा जो कस्टमरों को ही मिल रहा है। अब जल्द ही रिलायंस जियो का स्मार्टफोन आने वाला है, उससे पहले iVoomi कंपनी ने अपने बजट प्राइस के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें से जो है इनका जो पहला स्मार्टफोन है iVoomi का Me4 और जो दूसरा स्मार्टफोन है उसका नाम है iVoomi का Me5। अगर iVoomi के Me4 स्मार्टफोन के प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है 3,500 रुपये रखा गया है और iVoomi का Me5 स्मार्टफोन का प्राइस जो है 4,500 रुपये रखा गया है। इसमें आपको बेसिक से सभी चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि ये स्मार्टफोन में आपको जो है 4G VoLTE का सपोर्ट मिल जाता है, एंड्रॉयड नोगट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। अगर अभी मैं आपको इन स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बताऊं, सबसे पहले बात करो iVoomi के Me4 स्मार्टफोन की, तो इस फोन में आपको 4.5 इंच की FWVGA डिस्प्ले मिलती है। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो 1.1 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इसमें ग्राफिक्स के लिए माली का T720 GPU भी दिया गया है, जिससे आप बेसिक से गेम खेल सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 1 GB की रैम मिल जाती है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है। अगर आप मेमोरी कार्ड से इसको एक्सपेंडेबल करना चाहते हैं तो 64 GB तक एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं। इसमें जो है कैमरा जो दिया गया है वो फ्रंट और रियर कैमरा जो है 5 MP का दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इस स्मार्टफोन में आपको 2000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 8 घंटे तक की टॉक टाइम आपको मिलने का दावा करती है। अब आते हैं iVoomi के Me5 स्मार्टफोन की, जिसका प्राइस जो है 4,500 रुपये रखा गया। इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मुझे कुछ अच्छे खासे लगे। इस स्मार्टफोन में जो है आपको 5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 1.2 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि SC9832 प्रोसेसर है। इसमें ग्राफिक्स के लिए माली का 400 GPU दिया गया है, यानी आप इसमें भी बेसिक से अच्छे खासे गेम प्ले कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में आपको 2 GB की रैम मिलती है। जी हाँ, अंडर 5,000 रुपीज़ में आपको इस स्मार्टफोन में 2 GB की रैम मिलती है। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें आप जो है 128 GB तक माइक्रो SD कार्ड के साथ इसको जो है बढ़ा भी सकते हैं। ये स्मार्टफोन में आपको 8 MP का रियर कैमरा दिया गया है और फ्रंट में आपको जो है 5 MP का कैमरा दिया गया। कैमरे में आपको जो है पैनोरोमा जैसे मोड्स मिल जाते हैं, नाइट्स मोड, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये स्मार्टफोन में आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही कंपनी ने ये भी बोला है कि ये स्मार्टफोन को जो है आप 8 घंटे तक जो है टॉक टाइम आपको ये स्मार्टफोन में मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन का वजन जो है 130 ग्राम है। तो अगर प्राइस के हिसाब से इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो मुझे कुछ अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन लगे। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन बाय करना है तो ये स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और स्मार्टफोन अगर आपको 4G VoLTE स्मार्टफोन लेना है तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप iVoomi का Me5 ले, जो कि 4,500 रुपये का है। और आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 दिन में अगर आपको 4G VoLTE फ़ोन ही लेना है तो अगर रिलायंस जियो जल्दी फ़ोन लॉन्च करती है तो आप वो फ़ोन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्च नहीं करती तो आपके लिए ये जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, अगर बजट प्राइस में आप 4G VoLTE स्मार्टफोन को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।